पेज नंबर 24 तक कंप्लीट कर लिया था, और जिसमें लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो टेबल वाला था, तो हमने पेज की थी। ठीक है, अब हम पेज नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी आर दिस, ये कितने हैं, ये कितना है। ठीक है, अब इसमें देखो पेज नंबर 25 में रुपीज बने हुए हैं। ठीक है, और जैसे 100 का है, 10 का है, तो हमको क्या करना है, इन रुपीज को काउंट करना है, प्लस करना है और बताना है टोटल कितना है। तो हेडिंग क्या है, हाउ मेनी आर। ठीक है, हाँ, तो इसमें वो फर्स्ट वाले में क्या है, 100 के 2 नोट है और 10 के 4 नोट है। ठीक है, तो हम इनका टोटल करेंगे कि ये कितने हो गए। ठीक है, 100 मतलब 2 नोट है तो कितना हो गया, 200। ठीक है, और 10 के 4, तो 10 को 4 टाइम प्लस करोगे तो 10 4 10 कितना होता है, 40। ठीक है, तो 200 और 40 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 240। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, 240। ठीक है, रुपीस ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड, अब इसमें देख लीजिए, ये 100 के 3 बंडल स्टिक के, ठीक है, तो और 10 का एक है, फिर क्या है, वो बिक्री हुई है, तो काउंट करना है। तो देखो सबसे पहले 100 के कितने हैं, 3, तो कितना हो गया ये 300, और फिर 10 तो कितना हो गया 310। फिर इसके बाद जो ये हैं उनको काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना हो गया ये 319। ठीक है, क्योंकि 100 के 3 हैं, फिर 10 का है, फिर लास्ट में 9 है, तो 10 और 9 कितना होता है 90, और 319 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 390। ठीक है, स्टिक्स, और फिर सी वाला 100 के 2 है। ठीक है, ब्लॉक्स कितने हैं, 100 के 2 ब्लॉक्स हैं, और फिर एक 10 का ब्लॉक्स है और 2 है, 2 ब्लॉक्स है, तो इनको टोटल करेंगे, 100 कितना हो गया 200, फिर 10 का ब्लॉक्स है तो 210, एंड लास्ट में 2 ब्लॉक्स है तो फिर कितना हो गया 212, कितना हो गया 212 ब्लॉक्स। फिर है डी वाला वेट्स। ठीक है, देखो अब इनको क्या करना है, काउंट करना है कि ये कितने हैं। फर्स्ट वाला इनके जो भी बीट्स हैं, इनको सबको पूरी जो बड़ी माला दिख रही है इसमें कितनी बीट्स हैं, ये आपको काउंट करना है। फिर उसके बाद ये 10 के 3 हैं, और लास्ट में कितना है, 3 3 6 2 8 है लास्ट में, तो ये 100 है, और 130 और लास्ट में 8, तो कितना हो गया 138, इसमें कितना आएगा 138 बीट्स। ठीक है, फिर ई वाला, इसमें 100 के 3 नोट्स दिए हुए हैं और 10 के 2, तो कितना हो गया 320, कितना हो गया 320 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, क्योंकि हम लोगों को पैसे काउंट करते तो आता ही है, तो बस हमको डायग्राम देखना है और उनको काम करना है कि वो कितने हैं। अब डायरेक्ट हम पेज नंबर 27 पे आ जाएंगे, विच कार्ड्स विल आई हैव इन माय पॉकेट इफ आई हैव काउंटेड अप टू, पेज नंबर 27। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले ए वाले पे कितना दिया हुआ है 19। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, 19 को कैसे लिखेंगे, देखो जो 10 है, ठीक है, 19 में क्या होता है 110 आता है, और फिर 119 टाइप होता है। ठीक है, तो इसको इसमें लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब 10 लिख गया, अब कितना बाकी रह गया 9, तो मतलब 1 1, तो इसको किसमें लिख देंगे हम ट्राइंगल,
और ये 10, तो 10 और 9 कितना आता है 9, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट डिजिट है 21, कितना है 21, तो उसमें भी हम सेम ये लिखेंगे 10 10 के कितने बॉक्स स्क्वायर बॉक्स को देंगे 2। ठीक है, क्योंकि 10 और 10 कितना हो जाता है 20, तो और फिर 1 का कितना बॉक्स बनेगा 8 बनेगा 1, क्योंकि 10 और 10 20, 20 और 1 21। ठीक है, इसी तरीके से सी वाला है 95। ठीक है, अब 95 में क्या करेंगे, अब ऐसे ही 10 10 के कितने बॉक्स बनाएंगे हम 9, नंबर्स टू
ब्लैंक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें क्या है, हमको कुछ नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, उनको हमको कंप्लीट करके फिल करना है। तो जैसे फर्स्ट नंबर है हमारा 846, ये नंबर हमको दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद ये थ्री ब्लैंक्स, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब ये 5 ब्लैंक है और फिर लास्ट में है 852। अब बताइए जो ये फिल्टर ब्लैंक से इनपे कौन से नंबर, क्या नंबर आए, बताइए। स्टार्टिंग में कितना है, 846। तो अब क्या है, इसके आगे का वन स्टेप पहला नंबर लिखना है, ठीक है। तो 846 के बाद क्या है, 847, 848, ठीक है, फिर 849, 850 एंड लास्ट में जाएगा 851। ये हमारा फिर आ गया 852। ये हमारा फिर इसका ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट है 998। अब इनके भी हमको डिजिट लिखना है। अब ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 998 और यहाँ लिखा हुआ 1002। क्या करेंगे इसमें बताइए, सोचिए। फर्स्ट वाले में क्या किया था, हमने इसके आगे की डिजिट लिख दी थी। अब इसमें भी क्या करेंगे, सिंपल सा, इसमें भी ऐसा ही होगा क्योंकि 998 लिखा हुआ, फिर उसके बाद क्या आएगा 999, फिर उसके बाद क्या आएगा 1000, ठीक है, फिर उसके बाद 1001 और 1002 कंप्लीट हो गया। फिर उसके आगे लिखेंगे तो 1003, 1004, ठीक है। इस तरह से ये हमको पैटर्न कंप्लीट करना है और फिल करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 101, ठीक है, ये लिखा हुआ 101 और फिर हमको दिया है 102, ठीक है। अब इसके आगे के नंबर लिखना है तो क्या करेंगे, वही सेम टू सेम 103, 104, 105, 106, 107, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिलिंग ऑफ लेंथ, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये पैटर्न इसमें कुछ भी डिजिट दे सकते हैं आप, ठीक है, नंबर चेंज कर सकते हैं, पर आपको ये नंबर का और फिर अगर बीच में लास्ट में कुछ भी डिजिट दी हुई है तो आपको देखना है कि उसमें गेप कितने का, वन का है तो वन डिजिट बढ़ा के लिखी, अगर टू का है तो टू स्टेप बढ़ा के लिखी, ठीक है। आगे सर को समझ में, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि उनको केरी वाले प्लस कर देने का है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि केरी वाले प्लस कैसे करते हैं, ठीक, फिर भी वो गलतियाँ कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं एक बार फिर से आपको केरी वाले प्लस करके बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये हमको डिजिट दी गई है, ये हमको डिजिट दी गई है, ठीक है, कितना है ऊपर है 486 और उसके नीचे 546। अब हमको क्या करना है, हमको प्लस करना है, तो वही मैंने पहले बताया है आपको कि प्लस के साथ नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 6 और 6 को प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस करो, 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो वीडियो में समझाने के बावजूद बहुत सारे बच्चों ने गलतियां करी थी, ठीक है। तो 12 ये पूरा ये ऐसा लिखना चाहिए, ये गलत है, तो क्या करेंगे,
इसमें सिर्फ टू लिखेंगे और ये वन क्या होता है यहाँ पे एरिया है, ठीक है। 12 का 2 3 1 फिर है 8 और 4, 8 और 4 हो जाता है 12, ठीक है। अब हमारे पास एक एरिया है उसको भी प्लस करें, 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 का कितना हो जाएगा 3, एरिया भी कितनी आएगी 1, 4 और 5, 4 और 5 कितना होता है 9, 9 में 1 के एरिया प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ये प्लस कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको, ये अब ये है 8, ये भी 8, 8 और 8 कितना होता है 16, तो यहां पे 8 और 8 कितना हुआ 16 का 6, ये भी आएगी 1, 5, 4, 9, 9 में 1 के रिप्लेस कर देंगे कितना हो जाएगा 10, तो 10 का कितना लिखेंगे 0, ये आएगी 1, ठीक है। 7 और 3 कितना होता है 10 होता है, 10 में फिर 1 के रिप्लेस कर देंगे, 10 और 1 कितना हो गया 11, कितना आया हमारा 1106, ठीक है। अब एडिशन समझ में आ गया सभी को, केली बात है गलती मत करना, इनको घर पे अच्छे से रिपीट करना। अब मैं सबट्रैक्शन, केली वाले सबट्रैक्शन इसमें भी गलतियां करते हैं, सबट्रैक्शन में सबसे पहले हम टू डिजिट वाले करते हैं, ठीक है। अब ये इसमें क्या है, ये 4 है, ये 8 है, ये बिगर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर है ये और ये बिगर नंबर है, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर कभी भी माइनस नहीं होता, तो फिर कैसे माइनस करेंगे इसको, तो क्या करेंगे इस 9 से इसको हम 1 कैरी देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे हम 1 कैरी देंगे और इस फोर को फिर हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लिख दिया, अब ये कितना हो गया 14, ठीक है, हो गया 14। अब ये बिगर नंबर हो गया, अब ये स्मॉल नंबर, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 14 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। अब ये कितने थे 9 थे, अब यहाँ पे कैरी दे दीजिए, यहाँ पे एक कम हो गया, तो एक कम हो गया कितना बचेगा यहाँ पे 8, ठीक है। 8 में से 3 माइनस कर देंगे कितना बचेगा यहाँ पे 5, क्लियर। एक और समझा देता हूँ, ये 76 माइनस 29, अब ये भी ये स्मॉलर नंबर है, ये बिगर नंबर है, ठीक है। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, अब छोटी संख्या में से फिर वही दिक्कत है, ये माइनस नहीं हो पाया पीछे वाला नंबर, तो क्या करेंगे इस 7 से इस 6 को कैरी दे दीजिए, 1 कैरी दे दीजिए 6 को यहां पे लिख देंगे, तो ये कितना हो गया 16 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये नंबर देखो बड़ा हो गया, 16 हो गया, ये 9, तो ये माइनस हो जाएगा, और 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, कितना आएगा यहाँ पे 7। अब ये यहाँ पे 7 था तो इसने इसको एक कैरी दे दी, तो यहाँ पे कितना बचेगा ना 6, अब 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, ठीक है, समझ में आ गया। ये इस तरह से आपको घर पे प्लस माइनस और इनकी अच्छे से तैयारी करना है, और टेबल भी आपको 10 तक कंप्लीट लर्न हो जाना चाहिए, लर्न और राइट करते भी आना चाहिए, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।